Assalamualaikum guys, welcome to Sada Vlogs and Kitchen. आप लोग सरप्राइज होंगे कि कुकिंग एंड शॉपिंग एंड सेलिब्रेशन छोड़ के आज मैंने डिगिंग क्यों दिखानी शुरू कर दी थी। मामले कुछ ऐसा था, आज मैं बाहर से घर आई तो देखा बाहर एक जो है वो डिगिंग का काम चल रहा है, PTI का फ्लैग लगाया हुआ है। तो चले हम जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। हम लोग एक्चुअली गुलस्तारे जोहर के रिहायशी हैं और पिछले 2 साल से जिस जबरदस्त किस्म का जो है पानी की जो है वो शिद्दत से कमी हो गई थी। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फरमानी से पानी आता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 2 साल से जो है वो पानी की शॉर्टेज हो गई और जो है वो हम कंप्लेन कर करके थक चुके थे। वाटर बोर्ड वालों को कई दफ़ा बुलवाया, वो हर दफ़ा आते थे और जनाब वो आके थोड़ी सी तसल्ली वसल्ली दे के तो फिर वो चले जाते थे। कहते थे जी पानी का मसला पहले से ही है, पीछे से चला आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, इंशाल्लाह 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा। तो 2 साल से वो 2-4 महीने आए नहीं थे। एक्चुअली जब गर्मी में ज़्यादा शिद्दत से कमी होती थी तो उस वक्त वो लोग कहते थे 2-4 महीने के बाद आ जाएगा, और 2-4 महीने के बाद सर्दियाँ आ जाती थी तो जनाब वो फिर भी जो पानी की कंजम्पशन है वो कम हो जाती थी तो गुजारा हो जाता था। इस तरह करते करते जी हमें आदत हो गई, मतलब शुरू में मतलब परेशानी हुई, बाद में उस परेशानी की आदत सी हो गई। आज जो मैंने खुदाई का काम देखा तो मतलब मुझे लगा कि समथिंग मतलब है फिशी, यानी कि कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर जब झंडा नजर आया तो काफ़ी उम्मीद जो है वो जाग गई। तो मैंने बच्चों को भेजा जरा मालूम करे बाहर किस किस्म की खुदाई हो रही, कोई खजाना वजाना निकल रहा है क्या है, क्या पता यहाँ से भाई पेट्रोल शेट्रोल निकल रहा है। लेकिन जब डिगिंग विगिंग हुई तो पता चला कि जनाब यहाँ पे पानी के लिए पाइपलाइन डल रही है, तो बस जो है वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है कि जनाब पानी का मसला जो है वो ये PTI करवा रही है। चलिए जी मामला कंफर्म हो गया और ये काम PTI करा रही है माशाल्लाह से। अब जो है वो वक्त के साथ साथ हमें काम जो है वो PTI की दिखाई देने लगे हैं। बिजली का मसला भी काफ़ी हद तक जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है और इतना मतलब है कि बेटर है पोजीशन जो पिछले कई सालों से हम फेस कर रहे थे। और पानी का मसला भी, पानी का तो इतना शदीद मसला हो गया था कि हमारे यहाँ ना सिर्फ पानी की पिल्लत थी बल्कि वो जो गलती से पानी आ जाता था ना उसके अंदर भी गटर लाइन का जो है वो पानी मिक्स हो जाता था। ये जो गुलाबी शर्ट में एक साहब है वो जो है काफ़ी अहम किरदार यहाँ पे अंजाम दे रहे थे और बाद में मुझे पता लगा कि वो यहाँ से जो है वो इलेक्शंस में भी खड़े हो रहे हैं 9 सितंबर में। तो इनसे भी बात की गई है, मैंने भेजे हैं कुछ जो बाहर थे उनसे मालूम करने के लिए कि क्या सिलसिला है, तो देखते हैं वो क्या बताते हैं। कुछ वर्कर इन लोगों के साथ हैं और ये रहने वालों के साथ बात हो रही है। तो आपने बुलवाया अंकल, आप मेरी बात सुने, आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें मतलब डिटेल्स बता सकते हैं कि आपने कैसे मंगवाया? हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, पानी के वगैरह का मसला हो रहा था। उनके फंड से हमने लैंड लगवाई। किन की फंड से? मेरे अली जैदी भाई, अली जैदी भाई से। आप मुझे वोट करना, मेरा इलेक्शन है यहाँ पे 9 सितंबर को, मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा वोट करने के लिए। सही है, आप जरूर वोट करेंगे। हम लोग ही, हम लोग घर से हमारा घर यार ये वाला, ये जी जी ये वाला गिरे वाला। हाँ जी जी, आप मुझे वोट करना 9 सितंबर जी, जरूर जी 9 सितंबर को। ठीक, चलिए जी। इन्होंने बताया कि जी अली जैदी साहब के कहने पे ये हमारा देरीना मसला सॉल्व हुआ है और भी बहुत सारे मसले हैं, वो काफ़ी बेटरमेंट हमें नज़र आ रही है। 60-70 सालों से जो बिगड़े हुए काम थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता PTI की तरफ से काफ़ी तब्दीली, वाकई में तब्दीली नज़र आ रही है। ये साइड में जो है एक रूम भी बना हुआ नज़र आ रहा है हमारे घर के थोड़े से फासले पे, और यहाँ पे टैप्स वगैरह लगी हुई है जहाँ से जो है बाद में इन फ्यूचर कह रहे हैं यहाँ पे टैंकियाँ वगैरह पानी की इन्होंने स्टोर करने के लिए रखी हैं, तो बाद में यहाँ से जो है वो पानी वगैरह सप्लाई कर सकते हैं। और जो झुग्गियों वगैरह में जो लोग रहते हैं, मासियां वगैरह, उनके लिए तो एक अच्छा सिलसिला है। खुश आइन इकदाम नजर आ रहे हैं हमें और इनके इलेक्शन में जल्दी 9 सितंबर को है। अब फैसला आवाम के हाथ में, अच्छे काम नजर आ रहे हैं, कुछ होपफुल हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है।